नमस्कार आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर विराम लगाने में लगे हैं, लेकिन उनके इन मंसूबों पर अधिकारी पानी फेरने में लगे हैं। आपको बता दें कि फतेहपुर जिले के बिंदकी तहसील के आबकारी इंस्पेक्टर जेपी पाल का पैसे के लेन देन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया में आते ही आबकारी अधिकारी ने आबकारी कमिश्नर को लिखित शिकायत कर कार्रवाई के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि अवैध शराब का कारोबार करने वाले को आबकारी इंस्पेक्टर ने पकड़ा था और पकड़ने के बाद मामले को निपटाने के लिए पैसे की मांग की गई, जिसके बाद आरोपी ने पैसे की लेन देन करके पूरे मामले पर पर्दा डालने का काम किया। वहीं आबकारी अधिकारी के समक्ष जैसे यह मामला आया, वैसे ही सहायक आबकारी अधिकारी ने इसके लिखित सूचना आबकारी कमिश्नर को दे दी। वहीं इस मामले में सहायक आबकारी अधिकारी संतोष तिवारी का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है, मेरे द्वारा लिखित शिकायत आबकारी कमिश्नर को कर दी गई है। जैसे जो भी निर्देश कमिश्नर के पास से मिलता है वैसे ही आबकारी इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। बिनती के हैं, ठीक है, क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई करवा रहे हैं? वीडियो में स्पष्ट तो नहीं है कि क्या लेन देन हो रहा है, लेकिन अभी हुआ है तो प्रथम दृष्टया वीडियो को देखते हुए शायद कमिश्नर को कार्रवाई के लिए लिख दिया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।